साथियों, पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों से हमारी नदियां तो पूर्व आती थी, लेकिन विकास की गंगा यहां पहुंचने से पहले ही सिमट जाती थी। देश के समग्र विकास को टुकड़ों में देखा जाता था, सियासी चश्मे से देखा जाता था। इसलिए हमारा पूर्वोत्तर खुद को उपेक्षित महसूस करता था, लेकिन आज देश के विकास को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से देखा जाना चाहिए। विकास को अब देश की एकता अखंडता का पर्याय माना जाता है। पहले नीतियां दिल्ली के बंद कमरों में बनती थी और पूर्वोत्तर को उनमें फिट करने की नाकाम कोशिश होती थी। जमीन से ये कटाव ही अलगाव को जन्म देता है। इसलिए पिछले 7 सालों में देश ने एक नई सोच, नई अप्रोच तय की है। अब दिल्ली के हिसाब से ही नहीं, बल्कि यहां की जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनती है। प्रधानमंत्री आवास योजना को ही लीजिए, पक्के मकान को लेकर कुछ नियम त्रिपुरा के लाखों परिवारों के सामने बाधा बन रहे थे, लेकिन सरकार ने त्रिपुरा की भौगोलिक परिस्थितियों को समझा, उसके हिसाब से नियम बदले, आवश्यक नीतियां बनाई और उसके कारण आज हजारों नए परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। विकास के लिए यही संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, हमने इस और भी ध्यान दिया कि यहां के वातावरण और रहन सहन के हिसाब से घर कैसे होने चाहिए। हमने घरों का साइज भी बढ़ाया और उन्हें नई सुविधाओं से भी जोड़ा।